कानपुर। कानपुर देहात के सर्किट हाउस में रुकी भाजपा नेता उमा भारती ने राहुल गांधी के बयान पर कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया और सरकार कोरोना कोरोना करती रही, कहा कि राहुल गांधी के परदादा जवाहरलाल नेहरू के समय का चीन इतिहास देख ले, जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे थे और नारे चीन ने लगवाए थे, ये सब चीजें देख कर उन्हें चीन का चरित्र समझ लेना चाहिए। जैसे इंदिरा गांधी जी के समय पर जब बांग्लादेश को लेकर पाकिस्तान से वार हुआ था, अटल उस वक्त इंदिरा जी के साथ खड़े थे, लिहाजा राहुल गांधी को इस समय हमारे प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना चाहिए, मतलब देश के साथ। डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर उनका कहना था कि इसका जवाब पेट्रोलियम मंत्री देंगे। उमा भारती राम जन्मभूमि और बाबरी विध्वंस मामले में कोर्ट में बयान देने जा रही थी, लेकिन कोर्ट में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल जाने से कोर्ट दो दिन के लिए बंद है, इसलिए उमा भारती कानपुर देहात के सर्किट हाउस में रुक गयी। उन्होंने कहा कि जब राम जन्मभूमि मामले का फैसला आया तो सारे देश ने उसे शांतिपूर्वक स्वीकार किया, जो सभी ने देखा। राहुल गांधी का कहना है कि उधर सरकार कोरोना कोरोना करती रही, लेकिन चीन ने जो है भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया। आपको क्या लगता है कि कैसे भारत को इससे? मैं चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी अपने पिताजी ने परदादा जवाहरलाल नेहरू जी के समय का चीन का इतिहास देख रहे, जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे थे और चीन ने ही लगवाए थे और जो हमारे साथ हुआ था, इसलिए इन सारी चीजों को समझ कर तो उनको चीन का चरित्र समझना चाहिए राहुल जी को। और जैसे इंदिरा जी ने जब बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के साथ वॉर की, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी इस तरह से इंदिरा गांधी जी के साथ खड़े रहे थे, इसी तरह से राहुल जी को हमारे साथ होना चाहिए। अच्छा, शरद पवार जी ने देश के साथ, बीजेपी के साथ, देश के साथ। शरद पवार जी ने कहा है कि विपक्ष को इस समय हमलावर नहीं होना चाहिए, सरकार के साथ होना चाहिए, राहुल गांधी को भी नसीहत दी है, तो आपके हिसाब से क्या है? बिल्कुल सही कहा। मुझे लग रहा है कि मैं वही तो कह रही हूँ, ये समय ऐसा है जब हमें एक ही बात करना चाहिए। पेट्रोल डीजल का मतलब भी वही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार, पेट्रोल डीजल का मतलब ये कहना है कि चीन ने कच्चे तेल का स्टॉक पहले भी कर लिया था लॉकडाउन के द्वारा, जबकि भारत ने ऐसा नहीं किया, तो क्या लगता है? मैं जब इसके तहत इसका जवाब तो तेल के मंत्री बेहतर देंगे ना मेरे से, तो सरकार की मैडम बाबरी विध्वंस मामले में फिर से सुनवाई हो रही है, आप लोग के बयान के लिए क्या कहना चाहिए इस पूरे मामले में? अभी मैं उसी के लिए जा रही हूँ जी, तो अचानक यहीं रहता हूँ तो मुझे खबर मिली है कि कोर्ट में कोई कोरोना पॉजिटिव मिला, अभी की खबर है बिल्कुल 30 मिनट पहले, तो इसलिए अब 2 दिन तक माननीय कोर्ट को सैनिटाइज करेंगे तो फैसला करेंगे, तो मैं तो खुद ही यहाँ खड़ी खड़ी सोच रही हूँ। तो क्या मानती दीदी, एक तरफ मंदिर है एक तरफ बाबरी का विध्वंस चल रहा है, क्या मंदिर पहले बन के खड़ा होगी, फैसला आएगा बाबरी का? मंदिर का जो स्ट्रक्चर है ना वो 2 दिन में नहीं बन सकता जी, और जो कोर्ट के निर्देश हैं कि इनको हमारी सुनवाई खत्म करनी थी 30 जून तक, उसके बाद अपना फैसला सुनाना है, दोनों बातों को हम जोड़ नहीं पाएंगे। मैं तो इतनी जानती हूं कि जब कोर्ट का फैसला आया और जिस तरह से पूरे देश ने एक सुर में उस फैसले को शांत रह करके स्वीकार किया, ये भारत का असली चरित्र है, सर्वधर्म संभाव। उससे उत्तम के फैसले के बाद जो भारतीय नागरिकों का बर्ताव था उसने इस भारत के इस पक्ष को पूरी दुनिया में बहुत मजबूत किया है, इसकी आधार भूमि बहुत मजबूत की है, इसलिए ये फैसले के बाद भारतीय नागरिकों का जो व्यवहार था फैसले के प्रति, वो राष्ट्र को पूरे विश्व में सम्मान दिलाते गया है। ठीक है।